लिमिटिंग रिएक्टेंट और उसको लिमिटिंग रिएजेंट भी बोल सकते हैं। इसको मैं कह देती हूँ, रिएक्टेंट को ना बहुत बच्चों ने रिएजेंट के तौर पे सुना होगा और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसको रिएक्टेंट पूछा गया है कि रिएजेंट पूछा गया है। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड स्टॉप्स द रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर और दैट फेस। वो वही एक एरिया, वही एक पॉइंट पे उस रिएक्शन को स्टॉप कर देगा क्योंकि वो अपनी खुद की क्वांटिटी में कम प्रेजेंट है। समझते हैं? एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सबसे इजी रिएक्शन लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका वन मोल यूज कर रहे हैं, इसका वन मोल यूज कर रहे हैं तो हमें वन मोल प्रोडक्शन में मिलेगा। सपोज अगर कार्बन के हम लोग 10 मोल्स यूज करें, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मोल्स ही प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी, हाँ, कार्बन के 10 मोल्स लिए और ऑक्सीजन के सिर्फ 5 मोल्स ही प्रेजेंट है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बनेंगे? इजी चीज है, अगर इसके 5 मोल्स ही प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, इसके भी 5 मोल्स को ही रिएक्ट करवा पाएगा क्योंकि इनके एक एक का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करेगा, इसके 5 ही मोल प्रेजेंट है तो ये भी इसके 5 ही मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली जाके आपके फाइनल में जो है वो भी 5 मोल्स ही बनेंगे। जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि इसने क्या किया, इसके 5 मोल बर्बाद कर दिए। हुआ ना, ये 5 मोल्स था तो इसने बोला नहीं तू भी 5 मोल से रिएक्ट कर, ऐसा नहीं होता, चीटिंग होती है। सो इसने, ये 5 मोल्स प्रेजेंट था, ये भी 5 मोल, इसने क्या किया, इसके 5 मोल्स को ही रिएक्ट करवाने दिए, इसके 5 मोल्स जो है वो वेस्ट हो गए। तो इसने क्या किया, रिएक्शन जो है, चलो रिएक्शन कैसे हुई, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बन गया, फिर इसका 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 अब इसने बोला मेरे पास और भी मोल्स बचे हैं, आई हैव 5 मोल्स लेफ्ट मोर, तो इसने बोला नहीं अभी मेरे मोल्स खत्म हो गए, नाउ यू हैव टू स्टॉप द रिएक्शन बिकॉज वी आर इन वन ऑन वन कॉन्सेंट्रेशन और वन ऑन वन स्टोशियोमेट्री। तो द रिएजेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड स्टॉप्स द रिएक्शन बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल एनी मोर एंड इफ दिस ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल द कंबशन ऑफ कार्बन कैनॉट टेक प्लेस। सो द रिएजेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड स्टॉप्स द रिएक्शन एट दैट स्टेज दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो 5 मोल्स ऑफ O2 जो है वो आपका बना लिमिटिंग रिएजेंट इस केस में। अब लिमिटिंग रिएजेंट अवेलेबल तो बहुत होते हैं लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट का यूज क्या है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो रिएक्शन में, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट एक्सप्लेन करता है कि वो रिएक्शन कहां पर स्टॉप हो गया जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनाने में आसानी होती है। कैसे आसानी होगी, सपोज अगर मुझे पता चल गया कि ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, कोई एक रिएक्शन जा रही है, हम लोगों ने बराबर के कॉन्सेंट्रेशन दे दिए उन लोगों को और एक जो है वो वेस्ट हो रहा है। एग्जाम्पल देती हूँ अमोनिया का, यहाँ तो एक एक का रेशियो है ना तो यहाँ इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। अमोनिया का एग्जाम्पल देती हूँ मैं, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, यू विल ऑब्जर्व अमोनिया का बहुत ज्यादा लोग एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा रिएक्शन भी है। देखो N2, 1 mole of N2 is reacting with 3 mole. 1 mole of N2 is reacting with 3 mole of H2 to give twice of ammonia. Product से मतलब नहीं है क्योंकि limiting reactant या limiting reagent ही होता है तो वो reactant side पे available रहेगा। So, इसके 1 mole के लिए इसके 3 mole की जरूरत है। इतना तो दिमाग आप लोगों को सामने से देखकर लग रहा है। But, suppose हमने क्या किया? Suppose हमने इसके 15 mole ले लिए या फिर ग्राम्स में, लीटर्स में देखते हैं। सपोज इसके 15 लीटर्स यूज कर रहे हैं और इसके भी 15 लीटर्स ही यूज हो रहे हैं। हमने क्या किया, हमें नहीं पता कि अमोनिया कैसे बनता है तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो सेम क्वांटिटी में आगे भेज दिया प्रोडक्ट बनाने के लिए। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे, मतलब इसके 15 लीटर्स के लिए, इसके 15 लीटर्स मतलब इसके 15 लीटर जो है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे ऑब्वियसली क्योंकि इसके एक के लिए इसके 3 लग रहे हैं तो इसके 15 के लिए इसके कितने लगने चाहिए थे, 45 लीटर लगने चाहिए थे लेकिन आपने कितने दिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 लीटर्स दिए हुए हैं। तो क्या होगा, इसके 15 लीटर के लिए इसके 45 लीटर लगने चाहिए पर इसके 15 लीटर जो है वो तुरंत ही खत्म हो जाएंगे, फर्स्ट स्टेप में ही 15 लीटर खत्म हो जाएंगे तो इसके बचे हुए मोल्स जो है वो ज्यादा कंज्यूम ही नहीं हो पाएंगे। मतलब नाइट्रोजन ने क्या किया, रिएक्शन को वहां पर स्टॉप कर दिया। या फिर अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है ना तो लीटर्स नहीं लेते हैं, इनके मोल्स लेते हैं। सपोज 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपने क्या किए, सपोज इसके हम लोगों ने लिए हैं 10 मोल्स और इसके भी हम लोगों ने लिए हैं 10 मोल्स, ठीक है,
तो इसका वन इसके वन के साथ रिएक्ट किया, टू टू के साथ थ्री, थ्री के साथ फोर, फोर फाइव, फाइव सिक्स, सिक्स सेवन, सेवन एट, एट नाइन, नाइन टेन, टेन। ठीक है, इसके टेन मोल्स ने इसके टेन मोल्स के साथ, मतलब क्या हो रहा है, इसका वन इसके थ्री के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, देखो इसको और अच्छे से समझाते, इसका वन मोल, इसका वन मोल जो है वो इसके तीन मोल कंज्यूम करेगा, तो वन टू थ्री। इसका सेकंड मोल जो है वो फर्दर तीन मोल कंज्यूम करेगा, वन टू थ्री। इसका नेक्स्ट जो है वन मोल वो और तीन मोल कंज्यूम करेगा, तो नौ होने चाहिए, मतलब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। अब देखो इसके तीन कंज्यूम हुए और इसके नौ कंज्यूम हो गए। अब इसका नेक्स्ट जो मोल होगा, फोर्थ मोल होगा, उसको तीन मोल ऑफ हाइड्रोजन लगेगा, लेकिन इसके पास है क्या, नहीं है ना, इसके पास है ही नहीं। इसके जो नौ मोल थे ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं, एक टेंथ है और एक, मतलब इसको तीन चाहिए, इसके तीन चाहिए, लेकिन अवेलेबल इसके पास दो ही है, एक ही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि वी हैव लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, वी हैव लेस H2 फॉर N2, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो यहां पर हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम है। क्वांटिटी कम होने की वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो अनरिएक्टेड बच जाएगा। फिर फाइनली क्या हुआ, फिर फाइनली जब हमें अकल आ गई कि हाइड्रोजन आपको ज्यादा क्वांटिटी में देना और नाइट्रोजन कम क्वांटिटी में देना है, बराबर में देंगे तो नाइट्रोजन जो है वो वेस्ट हो जाएगा, तब हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने 10 मोल्स नाइट्रोजन के दिए और 30 मोल्स हाइड्रोजन के दिए, तब जाके आपके पास जो प्रोडक्ट है वो इफेक्टिव प्रोडक्ट आएगा। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट limiting reactant or limiting reagent, which gets consumed first and stops the reaction at the point where it is getting consumed properly, or फिर पूरा का पूरा consume हो जा रहा है। So this is everything about limiting reactant or reagent.